हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा जो इश्यूज जो हमें स्मार्ट वॉच से रिलेटेड हमें मिलते हैं उन सारे इश्यूज को कवर करने वाला हूँ, और मैं आपको बहुत ज़्यादा ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप उन सबको सॉल्व कर सकते हैं। और ये वॉच फायरबोल्ट की इनविंसिबल, और मैं फायरबोल्ट नहीं, मैं आपको सारे ब्रांड का एक तरीका बताऊँगा ताकि आप सभी वॉचेस को सही कर सकें अगर आपको कुछ भी इशू फेस होता है तो। अब आप देख सकते हैं ये फायरबोल्ट इनविंसिबल है। जब ये लॉन्च हुई थी तब बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी क्योंकि इसके अंदर में इनबिल्ट 8GB स्टोरेज मिल जाती है जो कि अब तक हमें किसी और वॉच में नहीं मिली है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर में 100+ इनबिल्ट वॉच फेस मिलते हैं। इसके अंदर में दो ऐप का सपोर्ट मिल जाता है, एक था फायरबोल्ट इनविंसिबल और उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी लॉगिन करने में। और उस ऐप में अगर आपको लॉगिन करना है इस टाइम, पहली बात तो वो ऐप अब एकदम बेकार हो चुका है क्योंकि उसके थ्रू हम इसमें अब वॉच फेस नहीं लगा सकते, पता नहीं क्या इशू आ गया उस ऐप में अब। और एक फिट विनर ऐप भी रहता था जो बहुत ज़्यादा सही था इसके लिए, ये उसके साथ भी चल जाती थी। फिट विनर ऐप में भी अब प्रॉब्लम आती है, कनेक्टिविटी के इशू दोनों ऐप में आ रहे हैं और हम वॉच फेस भी सेट नहीं कर पा रहे अच्छे से, बल्कि वहाँ से वॉच फेस का सेक्शन ही रिमूव कर दिया है ऐप से। अब हम इसको फंड करना चाहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो फिर उसके मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, मैंने अलग अलग ऐप्स ट्राई करके देखे इसके साथ, और फिर मैंने देखा जो फायरबोल्ट की इनविंसिबल प्लस जो अब न्यूमल्स आ रही है उसका जो ऐप है वो है फायरबोल्ट इनविंसिबल प्लस, उसके ऐप का ही नाम है ये। और जो फायरबोल्ट की इन्फिनिटी है वो भी फायरबोल्ट इनविंसिबल प्लस ऐप से ही कनेक्ट होकर चलती है। और मैंने इन सब चीज़ों में एक बात कॉमन देखी कि जो तीनों की जो UI है बहुत ज़्यादा हद तक सेम है। और अगर आप नोट करोगे जो फायरबोल्ट की जो पुरानी वॉचेस हैं वो सारी डार्फिट से कनेक्ट होती थी और उन सबकी UI सेम रहती थी, और ये जो UI रहती है इस ऐसी वाली UI की जो वॉचेस रहती है ये इनविंसिबल प्लस से कनेक्ट होती है। तो मैं एक चीज़ ट्राई करके देखी, फायरबोल्ट इनविंसिबल प्लस ये कहीं पर भी मैंशन नहीं है कि वॉच उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, पर मैंने जब इसे कनेक्ट करके देखा तो एकदम प्रॉपरली वर्क कर रही थी, इसके सारे फंक्शन भी अब मैं यूज़ कर पा रहा था। तो फिर इसका जो मेन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो वॉचेस रहती है उनका जो UI रहता है, अब आप जैसे बोट की कुछ वॉचेस देखोगे उनकी UI भी कुछ वॉचेस की फायरबोल्ट से मिलती है, और जो बोल्ट कंपनी है बोल्ट की जो वॉचेस है उसकी बहुत सारी वॉचेस की UI फायरबोल्ट से मिलती है, और वो सारी वॉचेस भी डार्फिट से चलती हैं। तो अगर आपके किस ऐप के साथ इशू आ, जैसे डार्फिट के साथ दिक्कत आ रही है या फिर बोल्ट का कोई ऐप है जैसे बोल्ट फिट करके उसका ऐप रहता है बोल्ट फिट में कुछ आपको दिक्कत आ रही है, तो आप अपनी वॉच को डार्फिट से भी कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि कई बार ऐप के सॉफ्टवेयर के जो अपडेट रहते हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। अब चलो हम इसमें बात करते हैं। अब जैसे कि ये वॉच है, इस वॉच के अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तब आई जब इसके ऐप से ही वॉच फेस का सेक्शन रिमूव कर दिया, तो मैंने उस चक्कर में फायरबोल्ट से भी बात करी पर उनकी तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा देखा कि कौन कौन सी वॉचेस की इससे UI मैच होती है, फायरबोल्ट की इनविंसिबल प्लस और जो इन्फिनिटी है उसकी UI इससे बहुत ज़्यादा मैच होती है। तो मैंने उसके ऐप से कनेक्ट किया तो एकदम प्रॉपरली वर्क हो रहा था। और जैसे फायरबोल्ट के ऊपर ही बात नहीं है, अगर आपको कोई दूसरे ब्रांड की भी वॉच मिलती है जिसकी UI इस तरीके से मिलती है, जैसे ऑनर की मैजिक वॉच है, ऑनर की मैजिक वॉच 1 एंड मैजिक वॉच 2 दोनों की UI से मिलते हैं, तो आप उसके ऐप से भी नहीं वो कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। और ये है मेरे पास फायरबोल्ट की नहीं है, ये एम्ब्रेन की वॉच है। आप पहले एक बार इसकी UI देखिए, इसकी UI एकदम फायरबोल्ट से मैच करती है, कोई भी फर्क नहीं है। ये देखिए क्या गई, जो फायरबोल्ट की रिंग सीरीज है उसमें अंदर हमें सेम टू सेम ये UI मिलता है। हम ऊपर से ऐसे स्लाइड करेंगे ये आ जाएगा, ये ऐसे अभी ऐसे करेंगे ये देखिए एकदम सेम टू सेम फायरबोल्ट वाली UI है। तो इसका जो ऐप है वो एक एम्ब्रेन का ऐप है और ये उस ऐप से कनेक्ट होकर चलती है, लेकिन उसके अंदर मेरे को कनेक्टिविटी इशूज आए थे उस ऐप के थ्रू। फिर इसकी UI तो फायरबोल्ट से मैच करती है और फायरबोल्ट का डार्फिट, तो मैं इसे डार्फिट से कनेक्ट किया और डार्फिट के साथ एकदम प्रॉपर क्लिक कर देता और कुछ भी कनेक्शन इशूज नहीं आ रहे थे। अगर आपको कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं कनेक्टिविटी के तो आप इसके थ्रू उन्हें सॉल्व कर सकते हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप जैसे इसका एम्ब्रेन का ऐप था इसका, उसके अंदर अपडेट नहीं आया था तो ये वॉच भी मतलब एकदम नॉर्मली चल रही थी, और जो डार्फिट था उसका वो वॉच
वो ऐप अपडेट हो रखा था। मैंने जब उस ऐप से इसे कनेक्ट इसमें तुरंत अपडेट आ गया वॉच के अंदर, और इसका कुछ आइकन चेंज हो गए। इसके जो ब्रीथ वाला आइकन था ये ब्लू रंग का था, और अब ये ऐसे रेनबो टाइप के कलर का हो चुका है। आप ऐसे करके कोई सा भी ऐप जो मैच कर रहा है इसे के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और अब चलो बात करते हैं कि अगर आपको वॉच के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसको ले लीजिए। मैं इसकी सेटिंग्स में जाऊँगा, आपको फायर गोल्ड हो गई, एम्ब्रेन हो गई, और जो जिनकी वॉइस मैच करती है उन सभी वॉचेस में आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। हम इसके वर्जन पे जाएंगे और ये देखिए टैप एंड हो, ये टच स्क्रीन का वो आ गया टैप, आप इधर देख सकते हैं। ये देखिए इसको टच स्क्रीन का आ चुका है। हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा टच पैनल पूरी तरह से वर्किंग है या नहीं। इस वॉच का जो टच है वो इतना ज़्यादा स्मूथ चलता नहीं है, तो आप देख सकते हैं ये रह जा रहा है। अभी देखिए दोबारा रह गया, अब देखिए गलत हो गया। इस वॉच में ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है क्योंकि ओल्ड भी हो चुकी है और एक गिर भी चुके हैं दो चार बार। और आप इसे चैनल पूरा अपना देख सकते हैं, देखिए ये एम्ब्रेन की वॉच है, मैं आपको ध्यान से दिखा देता हूँ। और ये डाफिट से भी कनेक्ट हो जाएगी, आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा। अभी अवेलेबल है मेरे पास ये फायर गोल्ड की मैप। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ये फायर गोल्ड की वॉच है तो ये डाफिट से कनेक्ट होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ये दूसरी ही ऐप है उससे कनेक्ट होती है, फिट क्लाउड प्रो। इसकी यूआई आप देखो तो बहुत ज़्यादा क्लीन है। ये देखिए इसके जो यूआई है, इसके जो फॉन्ट्स हैं, आइकन सब सब अलग है। ये देखिए इस टाइप का आपने मेन्यू स्टाइल भी देखा होगा। इसके जो ऐप से बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉन्ट्रास्ट की तरह के उसमें आइकन दिए गए हैं। ये देखिए आपको इस तरह का नहीं मिला होगा। ये देखिए ये भी फायर बोल्ट की वॉच है, मैं आपको यहाँ पे ध्यान से दिखाता हूँ। ये देखिए फायर बोल्ट ये, और ये डाफिट से कनेक्ट नहीं होती है। आपको कुछ भी कनेक्टिव इश्यूज आते हैं तो आपको बस ये देखना है कि ऐसी कौन सी दूसरी कंपनी की वॉच है जो जिसका यूआई आपकी वॉच से मैच करता हो। आप उसी वॉच के ऐप से अपनी वॉच को कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी और हो सकता है आपकी वॉच में अपडेट भी आ जाए जिससे आपकी वॉच और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाए। जैसे कि इस एम्ब्रेन वाली वॉच में डाफिट से कनेक्ट करते ही एक अपडेट आ गया, एम्ब्रेन के ऐप से नहीं आया था, डाफिट से आ गया। और ये वॉच है, ये है फायरबोल्ट इनविंसिबल, और ये मैं इनविंसिबल प्लस के एप्लीकेशन से यूज़ करता हूँ कि बाकी के जो दो एप्लीकेशन है उसके अंदर इसके वॉच फेस ही शो नहीं होते हैं। अब वॉच फेस शो नहीं होते तो मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है। और जो यूजर इंटरफेस हो गए इंसिबल प्लस जो ऐप है इंटरफेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, कनेक्ट इशू नहीं आता। ये मतलब बहुत अब कौन जिस वॉच के वॉच से मैच कर सकते आपको इसमें इशू बनाएगी। और अब जैसे ये इन्विंसिबल वाली है, मैंने आपको सुनता एम्ब्रेन वाली में टच पैनल करके दिखा, आप इस वॉच के अंदर सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। एक मिनट ये देखिए इसका यहाँ से याद आया, फिर आ गई जो फायर बोल्ट ऑटोमेटिक शो कर रहा है। इसके स्टेप्स और इसका जी सेंसर ट्विस्ट माइक टेस्ट भी हमें इसके अंदर मिल जाएगा, यहाँ से हम इसे पावर ऑफ और डिसेक्ट कर सकते हैं।